स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। जय श्री राम। मैं हूं जयंत और मैं आपको आज बताने वाला हूं कुछ अमेजिंग चीज़ जो मैंने ऑर्डर करी थी ऑनलाइन। robu.in कंपनी है, जो वेबसाइट है, उससे मैंने एक ऑर्डर किया था जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का था और ये मुझे पड़ा है 1310 रुपये का। अब इसमें टोटल सामान क्या क्या है वो इसे खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। आपको पता है मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे थोड़ा बुरा तो लगता है, इसलिए थोड़ा बोलना पड़ता है सब्सक्राइब करने का। और इसी के साथ बोलते बोलते हमारा बॉक्स ओपन हो गया। इसे ओपन करने के बाद इसके अंदर देखते क्या माल मसाला पैक करके हमें दिया गया है। जैसे ही मैं इसे ओपन कर लेता हूँ मेरे को बिल दिखने को मिला। बिल तो मैंने साइड में हटा दिया और फटाफट मैंने ये कागज़ हटाया। कागज़ में मुझे पता चला कागज़ में ही सामान लपेट के दे दिया। कागज़ हटाने के बाद उसमें से एक सामान निकाला, उसको देखा तो ये तो चार्जिंग मॉड्यूल था। ये चार्जिंग मॉड्यूल 5 वोल्ट की से ऑपरेट होता है और 3.7 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के काम आता है। इसमें चार्जिंग प्रोटेक्शन भी है। और अब मैंने ESP32 निकाल लिया है बॉक्स में से। अब इसको देख लेते हैं कट करके कि इसकी क्वालिटी कैसी है। और 38 पिंस का है, मैं आपको बता दूँ। मैंने ये भी मुझे कुछ 469 रुपीज़ का ये ऑनलाइन पड़ा है और ऑफलाइन मार्केट में ये कम से कम 700 का मिलता है। इसे फाड़ने के बाद इसमें देखते हैं इसकी क्वालिटी और कैसी वर्किंग है, इसकी वर्किंग है या नहीं है ये माइक्रो कंट्रोलर। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, मुझे बहुत ही शानदार लगा ये ऊपर से। और इसका जो नीचे का फोम है स्टायरोफोम वो भी हटा के एक बार देख लेता हूँ कि इसके नीचे कैसी क्वालिटी, और इसके नीचे भी बहुत ही शाइनिंग क्वालिटी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिली है। इसमें मैं अभी माइक्रो USB लगाकर चेक करने वाला हूँ कि ये चालू है या नहीं, और इसमें कोड अपलोड करके भी देखूंगा कि ये चल रहा है या नहीं। इसकी 15 डेज की वारंटी है, इसके अंदर आप इसे रिप्लेस करवा सकते हैं अगर ये वर्क नहीं करता है तो। माइक्रो USB लगाने के बाद इसकी लाइट ब्लिंक हुई। इसकी लाइट हमेशा ब्लिंक होती है, कॉन्स्टेंट नहीं चलती है, तो इसलिए ये ना सोचे कि ये ख़राब है। इसकी मैंने इसमें कोड अपलोड करके देखा है, इसमें LED ब्लिंक का कोड अच्छे से रन किया है, तो आप इसे घबराइएगा नहीं कि ये कोई ख़राब मॉड्यूल है, ये वर्किंग मॉड्यूल है। बस इसकी LED ब्लिंक करती है, कोड अपलोड करने के टाइम भी ब्लिंक करेगी। अब मैं दिखा देता हूँ आपको ये हमारा TP4056 मॉड्यूल, इसे भी एक बार मैं आपको चेक करके बताने वाला हूँ। पहले इसकी पॉलीथीन को कट कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं, इसकी भी क्वालिटी चेक करते हैं कि ये कैसी क्वालिटी में मिला है। जैसे ही मैंने इसे ओपन करा इसकी क्वालिटी देखने को मुझे मिली बहुत अच्छा है, और ये टाइप सी से काम करता है तो और ही फायदा हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसे चार्जिंग में लगाया तो ब्लू लाइट इंडिकेट करती है कि बैटरी फुल है। अभी कुछ कनेक्ट नहीं है तो ब्लू लाइट ही इंडिकेट होगी हमें, और कुछ बैटरी या लोड लगाने पर ये रेड लाइट शो करेगा, जिसका मतलब ये चार्जिंग हो रहा है या फिर लोड कनेक्टेड है। यही था आज की वीडियो में। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जेन्युइनली जो मैंने फील किया, जो मुझे क्वालिटी लगी वही मैंने आपको बताई है। अगर आपको सामान मंगाना है तो आप बेझिझक मंगाइए, बहुत अच्छी क्वालिटी डिलीवर होगी। और आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।